अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मदिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे का गुजरा, काफी सैरिंग अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज फादर्स डे भी था, तो आई थिंक इट वाज वेरी स्पेशल संडे, सो आई थिंक सबका अच्छा गुजरा होगा, तो इसलिए हम खुश खुश हैं और आज के दिन हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो कौन सा ड्रामा हिरा में भी हम रिव्यू करेंगे? हाँ जी, हम करेंगे जो थर्सडे को आता है, हम ARY डिजिटल पे शहनाई। बिल्कुल, और शहनाई की 18th एपिसोड हो चुकी है। सो हिरा, टू बिगिन विद, आप एक वन सेंटेंस में बताएं कि आपको 18th एपिसोड कैसी लगी? ऑनेस्टली मुझे एपिसोड बुरी एज सच नहीं लगी, मतलब मैंने एंजॉय किया, मुझे अच्छा टाइम पास लगता है शहनाई, लेकिन ओवरऑल जो कुछ हो रहा है ना ड्रामे में, उससे मैं एग्री नहीं कर रही थी और काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन एक तरफ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन एक तरफ मुझे ओवरऑल ड्रामा देख के मज़ा आ भी रहा था। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, कुछ नहीं लग रही थी, और ओवरऑल वक्त के साथ काफ़ी मुझे डिसएग्रीमेंट थी और मुझे काफ़ी इश्यूज थे उनकी बहुत सी बातों से, लेकिन आप बताएं आपको कैसा लगा? बिल्कुल, मुझे लगता है वी शेयर द सेम फीलिंग, ड्रामा छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली काफी अच्छा ड्रामा है। एग्जैक्टली, बट डिसएग्रीमेंट्स बहुत है, हमारी सोच नहीं मिली थी ड्रामा के साथ, स्पेशली जो होता है ना कि नॉर्मली जो लीड करेक्टर होता है, हीरोइन होती है, तो यू फील फॉर द वुमन और यू फील फॉर द लेडी और यू गेट इंस्पायर्ड बाय हर और आपको बड़ा मजे का करेक्टर लगता है। आई थिंक इसमें वो ड्रामा है जिसमें शुरू में तो पहले मुझे इवन इनिशियली भी मैं वक्त से इतनी अट्रैक्ट नहीं होती थी, मुझे मेहराब ही पसंद था, लेकिन फिर बीच में जब वो वक्त में सेंस आया थोड़ा सा, एंड देन द वे शी केयर फॉर हर फैमिली एंड इवन वो कन्फ्रंट किया उसने मेहराब के साथ भी, कोशिश की मेहराब की बेहतरी के लिए, तो वो फेज पूरा वक्त का बहुत अच्छा लगा, वो लगा कि यू नो वो हकड़ी खड़ी हो रही है, कोशिश कर रही है, अपने उसको पसंद भी आ गया था मेहराब, लेकिन फिर अगेन जिस तरह उसको एकदम से फिर सडन चेंज ऑफ हार्ट हुआ है ना, अगेन लव्स हुनैन, तो वो इतना इरिटेटिंग हो गया है कि टू बी ऑनेस्ट, वो कहते हैं ना लीड कैरेक्टर से मुझे तो कुछ हेट्रेड सी हो गई है, तो वो अच्छी बात नहीं है, आपको तो फैसिनेट होना चाहिए। जो बख्त ने मेहराब से कहा ना कि तुम मुझे बुरे लगते हो, बुरे ही लगो, अपने आप से नफरत ना करवाओ, तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी फीलिंग्स में कुछ कुछ बख्त के साथ है कि बुरी लग रही है तो बुरी लगो। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बेवकूफी के और उसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। आपने वैसे कितना अच्छी बात बोली है, वो डायलॉग वाकई बख्त के ऊपर जाता है कि वाकई बुरी लगो मतलब नफरत ना करवाओ, वो नफरत करवा रही है। अच्छा नफरत ये नहीं है, किसी को पसंद करना नहीं करना वो इससे मगर ऐसे सडन चेंज ऑफ हार्ट हीरा आज तक किसी का होता है क्या? एक तरह पहले हुनैन पसंद था, ठीक है, हुनैन धोखा दिया, सबको पता है धोखा दिया, सारे घर वालों को पता है, मेहराब को पता था, बख्त को भी पता था, अगेन इस वाले एपिसोड में फिर वही कॉन्वर्सेशन कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, ये क्या बात हुई, हमें पता है कि हमने बताया था लेकिन उनको नहीं पता, एंड देन अब सडनली फिर मेहराब पसंद आने लग गया, रिमेम्बर कि जब फेस में जब समीन आई तो मेहराब पसंद आ गया, अब मेहराब जब समीन के पीछे था तो बख्त समीन की बख्त मेहराब के पीछे थी, नाउ अगेन सडन चेंज ऑफ हार्ट, और वो भी ये कि चलो जी पता चला कि उसके बाप को कैंसर था, तो सब कहते हैं गुनाह माफ, अब फिर हुनैन पसंद आ गया और अब उसको मेहराब जहर लगने लग गया, तो इतना इनडिसिसिव और इतना वीक हार्ट तो मैंने किसी का देखा नहीं, बल्कि वीक नहीं कहेंगे, इतना वो कहते हैं ना दिल फेंक इंसान तो मैंने देखा नहीं है, वो एक लीडिंग लेडी के साथ सूट नहीं कर रहा है एज एन हीरोइन, बिकॉज आप उससे इंस्पायर होते हैं, यू फील फॉर हर, एक कनेक्शन डेवलप होना चाहिए, उल्टा वो चीज आप मेहराब के लिए फील कर रहे होते हैं, हालांकि जब मेहराब समरीन, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जब मेहराब जो थी, जब मेहराब समरीन के साथ कर रहा था तो ठीक है हमें मेहराब पे भी गुस्सा आता था, मगर उसने कभी भी तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, यू नो ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स बख्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, और वो हमेशा तहम्मुल से, और तब भी वो एक मोमेंट आया था जब यू नो मेहराब पे मुझे गुस्सा आया था जब उसने ये सोचा नहीं कि उसके पेरेंट्स का क्या बनेगा, लेकिन फिर भी थ्रू आउट ही वाज वेरी नाइस टुवर्ड्स बख्त पेरेंट्स एंड फैमिली और बख्त की मुश्किलात, लेकिन बख्त तो इतनी सेल्फिश है कि अब जिस तरह वो जो जब उसकी कजन या किसी ने पूछा सवाल, उससे किसने पूछा था ये सवाल कि आपको उनके घर वाले भी नहीं पसंद,
वो कहती हाँ। थी जो बंदा वो किसने नहीं पुछा? वो बीना बाजी कह रही थी, वो आई थी, वो कह रही थी कि आप फोन नहीं उठा रही उनका, तो तब उससे कहा था ना कि मुझे जब जो अच्छा लगता है मुझे उससे रिलेटेड हर चीज अच्छी लगती है और जो मुझे बुरा लगता है उससे रिलेटेड हर चीज। मेरा ख्याल है तभी वो फोन नहीं उठा रही थी शायद। नहीं वो बीना बाजी बिल्कुल बीना बाजी का फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन उसकी कजन ने उससे सवाल किया था कि क्या आपको विराग भाई के साथ साथ वो लोग भी नहीं अच्छे लग रहे, तो उसने कहा वो कितनी सेल्फिश अप्रोच थी। ये बहुत गलत बात है भाई, और बख्त की बहन तो इतनी स्वीट है कि आप उसके साथ बुरे तो हो ही नहीं सकते, अगर आप उसके साथ बुरे हो रहे हो तो फिर आप ज्यादती कर रहे हो, तो ये मतलब बख्त जो है तो ज्यादती कर रही है। और इवन मेहराब के साथ भी अगर उसको लग रहा है कि अगर वो फॉर इंस्टेंस ये सोच रही है कि जो हुनैन बातें कर रहा था उसने मेहराब को बताया, मेहराब ने जान के मुझे नहीं बताया था कि उसका वो पत्ता साफ हो जाए और सारा कुछ ताकि वो शादी खत्म हो जाए, अगर वो ये सारी स्टोरी सोच भी रही है, एक तो पहली बात यह है कि जब आप किसी से धोखा खाते हो तो आप उसको डबल चेक तो करते हो, मतलब वो एकदम से उसके कहने पर ये फौरन से दोबारा उसकी बात का यकीन कैसे कर रही है मुझे नहीं समझ आ रही, और वो जो जो कहता जा रहा है वो कह रही है ठीक है ठीक है ठीक है तुम सही कह रहे हो सारे गलत है तुम ही ठीक हो, उसके बाद ना किसी को एक्सप्लेनेशन का मौका दे रही है। और फिर मतलब बेशक मुझे तो जो होता है ना कि अगर आपने ये दिखाना है कि ठीक है औरत वो लड़की जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है इस हिसाब से कि वो अपने डिसीजंस लेती है खुद ही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेचारी नहीं है या रोती धोती नहीं है या ऐसा कुछ, लेकिन एक जो होती है ना तमीज़दार लड़की या अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, मतलब उनको धोखा ना देना, वो चीज़ें तो हमारी नॉर्मल एक अपब्रिंगिंग का हिस्सा होनी चाहिए ना, मतलब ये कोई साइंस तो नहीं है ना, मतलब ये तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको उनको ट्रस्ट का ख्याल रखना है, मतलब ये चीजें आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा होनी चाहिए, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। खैर बख्त की मुझे समझ में भी नहीं आ रही, मतलब मुझे ना उसका ये भी इशू है थोड़ा सा कि मुझे उसकी समझ में भी नहीं आ रही, और ये हुनैन और बख्त वाला पार्ट जो है ना ये जरा भी मुझे मजा नहीं आ रहा। दूसरा मतलब मुझे अगेन मैं आपकी बात को फर्दर एलैबोरेट करूंगी कि ये ऐसे कभी पॉसिबल है कि बंदा ने इतना बड़ा धोखा एक बंदे ने दिया, तुम उसके बाद पानी तक फेंका, गालियां दी और सब कुछ सबको पता है, उसके बाद आफ्टर ऑल दैट हैज हैपेंड अब आप जाके एकदम उसकी एक जरा सी बात पे कि जी मेरे बाप को कैंसर था और मुझे पैसों की जरूरत थी, आप मान गए चलो वेरीफाई कर लेते, उसके घर ही चले जाते, जाके मिल लेते उसके बाप से। ये कौन ऐसा होता है, और ये मतलब मुझे नहीं समझा राइटर ने क्या सोचा कि व्यूअर इतना बेवकूफ है, मतलब हम कन्विंस नहीं हो रहे। व्हाट आई मीन टू से एज एन ऑडियंस वी आर नॉट बीइंग कन्विंस्ड बट बख्त बख्त जिस तरह कह रही होती है ना कि बस अब तो मैंने तो शादी करनी है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं मेरा दिल है या नहीं है, मैं तो मर ही चुकी हूँ, अब तो मैंने जिंदगी गुजारनी है, ये वो मतलब आपको इसके किसी भी डायलॉग पे ना उसके ऊपर एक सेकंड के लिए भी तर्स नहीं आता कि है बेचारी, मतलब तो वो चीज कहता है मतलब आपने कहा कि बुरी लगे नफरत ना हो, अब उससे ऐसा फेस आ गया कि अब वो कोई बेचारी सिंपथाइज मतलब लोग शायद सिंपथी गेन करना चाहती है लेकिन हमें तो कोई सिंपथी नहीं है, उल्टा मुझे उसकी हर एक्ट पे गुस्सा आता है, और उसकी जो एक लॉबी है ना लॉबी कह लो या जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं, अब मुझे टू बी ऑनेस्ट पहले वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, सब कुछ अच्छा है, मुझे कजन सभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उन पे भी है कि अब वो एक कहते हैं ना जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो आप थोड़ा रोके भी उसको, अब कहेंगे बस काफी है, अब वो जिस तरह उसकी कजन होती है जो बहरोज सब्जवारी की बेटी है वो साथ होती है और उस वक्त हुनैन छत पे आ जाता है, तो मतलब कहे तो सही कि बख्त आप ही अब क्या करनी है, मतलब थोड़ा सा बोल ही दे, मतलब मुझे लगता है कि दोस्त तो आपके खैर ख्वाह होने चाहिए ना। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि बख्त का उनको पता है कि इसने हमारी सुननी तो है नहीं, पहले भी कभी नहीं सुनी थी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो शायद इस वजह से भी नहीं अब कहती, क्योंकि शुरू में वो समझाते थे ना कि आप छोड़ दें आप बख्त मेरा आपसे शादी करेंगी, वो तो वो नहीं सुनी उसने, जब उसको खुद ही धोखा शोका मिला तो वो अच्छा, फिर वही बात है कि ये सब कुछ रिपीट भी हो रहा है कि जिस तरह समरीन शादी पे पहुंच गई थी उसकी, अब इसी तरह ये हुनैन वहां पहुंच गया है, वो दोस्त बन गई थी अब ये दोस्त बन गया है, ये चीज भी थोड़ी सी ना पता नहीं अजीब सी लग रही है कुछ। ऑडियंस का शायद तो दोबारा वही कहानी कर दो कि मेहराब पहले समरीन को दोस्त बना गया था शादी का और अब ये दूसरा दोस्त उसका बरामद हो गया, हालांकि मेहराब को भी इतना ओवर स्मार्ट होने की क्या जरूरत है भाई, बस कर दो। अच्छा ये बात एक और दूसरा हम पिछली बात कर रहे थे, आई थिंक उसमें ये और बात भी होगी कि जो बाकी दो कजन है वो फिर भी थोड़ी सेंसिबल है, मरियम स्पेशली वो हमेशा उसको सही रास्ते पे लाती, और अगर वो होती है दूसरी बहन की जगह छोटी वाली के साथ वो उसको भी देती है, क्या है ये भी बात होती है कि आई थिंक वो छोटी वाली थोड़ी बेवकूफ सी है तो उसको इतना समझ नहीं आया, वो बेचारी उल्टा फंसी गई, क्योंकि अच्छा बख्त थी कॉन्फिडेंटली
जब वो आ गया घर पे, उसको पहले कमरे में लेगी फिर ऊपर लेगी, उसको परवाह ही नहीं है कि बाप को अब इस, अगर बाप देख लेता तो क्या वो जिंदा बचता बेचारा, जिसके लिए वो बड़ी बातें करती थी, चाचू बाबा कुछ हो गया है। नहीं मुझे ना ज्यादा गुस्सा शायद बख्त पे इसलिए भी आता है कि जो वो फुफा जान है और वो जो ज़ैनब कय्यूम का कैरेक्टर है, वो दोनों जितनी मतलब गंदी उनकी प्लानिंग होती है सारी, उतना ही मतलब बख्त जो है वो उसको एक तरह से सेकंड कर रही है ना, मतलब वो उसको बढ़ा, मुझे इस बात पे ज्यादा दुख है कि वो वही ये चीज डिजर्व करती है जो उसके बारे में लोग कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब मतलब कल बात करूंगी कि देखो अब उसके बाप ने भी उस पर ओपन छोड़ा हुआ है, सबने, मतलब इवन मेहराब के पेरेंट्स कितने अच्छे थे, यू रिमेम्बर, तो वो आके पूछ रहे थे कि बाप पे कि आपको कोई जबरदस्त तो नहीं है, इस हद तक लोग पीपल आर सो नाइस, तो आपको क्या मसला है कि आप सबको ही धोखा दे रहे हैं, मतलब मुझे ये लॉजिकल बात लग रही है। आई नो इट्स अ ड्रामा, वी शुडंट बी टेकिंग इट सो सीरियसली, बट टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट गेटिंग सोल्ड विद द स्टोरी, मतलब आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, यू कैन नॉट स्टमक इट, हमारे टीचर होते थे वो कहते थे आई कैन नॉट स्टमक इट, तो मुझे भी वही वाला फीलिंग आया आई कैन नॉट स्टमक इट जो आजकल हो रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट मजा आएगी नहीं कि एपिसोड वाज बैड, एक्चुअली आई एंजॉयड इट, स्पेशली हिरा वो जो फेस्टिविटी होती है ढोलकी ढोलकी वो मुझे मजा ही आता है। हाँ और मुझे काफी इतनी पसंद है ना, बस मुझे तो उनको देख के भी बड़ा मजा आता है, और फिर वो जो उनके कैरेक्टर हैं जो साइमा के जो जो उनका कज़न जो लड़का है वो, हाँ वो भी आ गया है, और वो भी आ गया हो रही है आगे कभी कभार आपको एक बहुत ही बोंगा सा बंदा लग रहा था, सॉरी टू से द वर्ड, अल्लाह माफ करे, कि एज एन ओवरऑल इफ यू रिमेम्बर जब शुरू में ये आता था सब लोग उस पर मतलब उम्मीद, हमने कभी उसको हीरो की तरह नहीं लिया, लेकिन अब इस दफा जब वो, अगर आप नोटिस किया हो कि जब वो री एंट्री हुई है उसकी, तो थोड़ा सा ग्रूम होके नहीं आया, अगर आपने नोटिस किया है ना, स्क्रीन प्रेजेंस फील हुई, पहले थोड़ा सा इतना मजे का नहीं था, और इवन मुझे वो बड़ी प्यारी लग रही है मरियम, मुझे वैसे पसंद है जो इसमें बनी हुई है मरियम, और जो मरियम नूर है हम उनका नाम, या मरियम समथिंग असल में भी नाम है उनका, नाम मरियम नूर है। हाँ, और इस ड्रामे में तो वो साइमा है ना, मरियम उनका ओरिजिनल नाम है और साइमा, वो मुझे मजे की लग रही है, और वो कितनी प्यारी तैयार की थी डोल की, कितनी प्यारी लग रही थी, प्यारी लगती है वैसे वो वैसे। लेकिन आप हेरा मुझे बताएं कि वक्त की कौन स्टाइलिस्ट है, ये मुझे जरा बताएं कि जितनी फंक्शंस हुए हैं, पता नहीं, हालांकि मैं इन चीजों पर कभी भी गौर नहीं करती, लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर ये गौर करे तो कुछ ज्यादा प्लॉट ही होगा। हाँ कुछ इसमें वैसे मैं आपसे एग्री करती हूँ, काफी बात है कि जितने फंक्शन हुए वर्स्ट अगर लग रहा होता था तो वो वक्त थी, हालांकि ठीक है उसको नाखुश दिखाया, लेकिन हमेशा ड्रामाज में, अभी पहली सी मोहब्बत में, अभी हम डिस्कस करेंगे वो अलग एपिसोड में, लेकिन वो कितनी प्यारी लग रही होती है माया अली अपनी मायों में, अब वो भी तो सैड है, जरूरी तो नहीं बुरा ही दिखा है हमको, तो ये पता नहीं सारे लोग इतना प्यार होते हैं, और वक्त सबसे मतलब इतनी सादी और अच्छी भी नहीं लग रही थी, आगे पीछे उनकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, she looks so मतलब अच्छी, young vibrant अच्छी लग रही होती है, but somehow उनकी ढोलकी वाले जितनी overall attire था मुझे नहीं पसंद आया, आपको कैसा लगा? नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इवन जैसे बख्त की बहन, सॉरी मेराब की बहन है, या ये साइमा, ये जो कजन्स है सारी, ये सब बहुत प्यारी लग रही होती हैं, और ये बड़ा अच्छा तैयार हुई होती है, मुझे छोटी वाली पुप्पू होती है जो भैया बासी, वो कितनी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। हाँ नहीं बख्त सब में ना कपड़े भी उस दिन थोड़े अजीब पहन लेती है, ज्वेलरी वगैरह तो मेरा ख्याल पता नहीं पहनती है कि नहीं, कुछ समझ नहीं, मजा नहीं आता। हाँ कुछ मजा नहीं आता, ये तो है आप सही कह रहे हैं। बट आई थिंक वो जो सीन था ना कि वो आ गया उसकी छत पे, तो टू बी ऑनेस्ट वो मुझे बहुत मतलब आई नो इट वाज इंटरेस्टिंग, बट मुझे कोफ्त हो रही थी कि इनको क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या। अच्छा मेहराब आता था ना, मेहराब जो मिलते थे तो मुझे समा क्यूट लगते थे। उनकी शादी हो रही है, वो क्यूट था, उनका मीटर पॉइंट होता था, सारी कमी जाती थी और मिलते थे, वो सीन्स इतने मजे के थे ना कि अब उसके मुकाबले में जब ये हुनैन साहब टपके हैं तो बहुत ही बड़ा बुरा लगा, और स्पेशली उसकी कजन भी होती है, और ये मतलब अच्छा ऑथेंटिक नहीं लगा था। इवन बस ऑल्सो कोई ओवर एक्साइटेड भी नहीं थी, अगर आप नोटिस करें, ठीक है वो उसके साथ रहती है, लेकिन कोई इसके मुंह पे खुशी नहीं थी, अगर आप गौर करें। एग्जैक्टली। अच्छा दूसरा ना मुझे लग रहा है कि अब कितना अरसा दोबारा से, जिस तरह समरीन को इतनी किस्तें लगी वहां से निकलने में, अब हुनैन को लगेंगी उतनी किस्तें निकलने में, मतलब ये चीज ना मुझे बहुत बोरिंग लगने लग गई है अब के ये सारा जो। लेकिन मेरे यार टू बी ऑनेस्ट मुझे मेहराब का कैरेक्टर पसंद है कि डिस्पाइट एवरीथिंग, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप उसकी पर्सनालिटी देखें
अब वो देखो डिस्पाइट एवरीथिंग ये जो हो रहा है और बख्त उसके साथ कर रही है, अब वो घर भी उसके टपका और उसने फिर उसको मदद कर दी और अब हुनैन को अपना दोस्त बना लिया है। तो ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो इतने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं। और इवन जब मुझे वैसे हिरा वो सीन अच्छा लगा था जहाँ पे वो मेहराब जाके उससे बात करता है ना जावेद शेख और बहरो सतवारी से, मुझे वो क्यूट सीन लगा था। और जिस तरह वो रीअश्योरेंस देता है और ये भी नहीं कहता ओवर, मतलब कहता है कि मुझे पता है आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा मगर मैं कोशिश करूंगा, तो मुझे जो डायलॉग था काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, बिल्कुल हार्ट फेल्ट था जैसा वो कह रहा था। हाँ नहीं वो मेहराब के डायलॉग भी बहुत अच्छे थे, उसका एक्टिंग भी वहाँ पे बहुत अच्छी थी, बड़ा कन्विंसिंग और बड़ा अच्छा सीन था वो, रिलेटेबल भी था, बहुत अच्छा था। दूसरा दफा इस बार आई थिंक वो काफी भैया का किरदार जो है ज़ैनब कयूम ने अदा किया कि और मेहराब की केमिस्ट्री मुझे बड़े मजे की लगती है जब राफे उसको कह रहा होता है कि चाचा से मेरी शादी की बात करो, उल्टा मेहराब अपनी लगा होता है। सारी वो जो इरिटेटिंग और वो जो टीडियस सीन्स होते हैं इसके बख्त और हुनैन के, उसके इर्द गिर्द ये जो सारा प्लॉट है वो मजे का होता है, तभी मजा आता है देखने का। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात हो गई है, वो खैर अगेन इसमें मुझे फ्लॉ लगता है। अब एक तरफ कहता है हुनैन कि उसका बाप जो है ना कैंसर पेशेंट है और बिल्कुल बिल्कुल मतलब बुरे हालात में, तो कहीं उसके चेहरे से वो नजर आ रहा है जैसे आपको बात है ना, अब तो जिस तरह ऐसे निकल रहा है। अच्छा इतने बुरे हालात हों तो वो ऐसे लड़के के घर पे जाके टपकेगा छतों पे, और मतलब उसको इसकी पड़ी है यानी कि अगर घर में इतने बुरे हालात हैं तो ये सवाल क्या भूल गए बाप ने, वो 5 लाख से तो किसी का इलाज पूरा होने से रहा। एग्जैक्टली 5 लाख ही दिए थे ना कुछ। अच्छा दूसरा वो भी बड़ा मुझे दुख हो रहा था, अच्छा जब वो बहरोज सतवारी ने नीचे से ऊपर बख्त को देख लिया, बख्त क्या पहले हुनैन को देखा और शायद मुझे लगता है झलक दे दी, तो कितना वैसे वो मुझे कर्ब सा मुझे फील हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था कि बार बार बख्त क्यों अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करवा रही है लिटरली। मुझे इतना दुख ना, मुझे सादा सबसे ज्यादा जो मुझे फिक्र पड़ी रहती है ना हर वक्त वो ये इसकी पड़ी रहती है कि ये जावेद शेख और उसकी बेगम मतलब बख्त के पेरेंट्स की, और ये कि ये जो कफी भैया सारी प्लानिंग कर रहे हैं ये जब कामयाब होंगे तो बेइज्जती किसकी होगी, बख्त के पेरेंट्स की। तो मुझे ये चीज ना बहुत ही दुख दे रही है कि वो दिन जब आएगा ना तो वाकई में, और बख्त जो है पूरी मतलब अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि मेरे माँ बाप जलील हो ही जाए एक दफा जाए। क्यों कि उल्टा हिसाब है, मेहराब कोशिश कर करके बचाता है उसकी ही जलील उन्होंने से, और ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जितने जो सारी आवाम थी ना जो गलत थी जिनको हम कहते हैं वो विलन है मगर उनको ये सही साबित करने में हमेशा करती है। एक होता है कि इंसान अपनी गलती से सीखता है, ये तो ऐसे वो पूरा खानदान, अच्छा लास्ट टाइम आपने बिल्कुल सही कहा था कि उनका पूरा खानदान ही मेरे ख्याल में डिफॉल्टेड है कि उनको अपनी गलती से तो सीखना है ही नहीं। हाँ, कि नहीं गलती करते जो करते रहो कोई ना कोई इनके लिए रोक सबब बनता है। सेल्फिश लोग हैं, बहुत सेल्फिश है। और मेहराब की फैमिली बिल्कुल उल्टी है ना, मतलब बहुत ही अच्छी है फ्रॉम पेरेंट्स से लेकर, आप तो डिजर्व ही नहीं करता बख्त को मतलब अब उसको कोई और अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, वो पूरी फैमिली इतनी अच्छी है माशाल्लाह। इसका चेंज ऑफ हार्ट फिर हो जाए, हाँ होगा तो इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ होगा इंशाल्लाह। अब तो पता नहीं अब क्या कितने पे होगा कि जिस पे फिर हमें बख्त अच्छी लगेगी। मैं यही सोच रही थी कि 2 से 3 एपिसोड पहले तक ना टू बी ऑनेस्ट आई वाज थॉरली एंजॉयिंग द ड्रामा, मुझे इतनी खुशी होती थी कि इवन मतलब मुझे इवन जब इवन हुनैन वापस भी आ गया वो इंटरेस्टिंग प्लॉट और मोहब्बतें और वो शुरू हुई है ना तो फिर मुझे रियलिस्टिक नहीं लगा कि यार ये बंदी क्या है, कभी हुनैन कभी मेरा फिर हुनैन। वो कह रहे थे 7 दिन तो 7 दिन, वो कहती है मेरे 7 दिन बाद शादी है तो कहते हैं हाँ तो 7 दिन है कोई बात नहीं शादी रुक सकती है, तुम तो सिर्फ मेरी ही होगी और हमारी ही शादी होगी और मतलब अल्लाह जी बस कर तो अभी भी ये डिसाइड कर लेगा क्यों लोगों का हार्ट अटैक कराने चाहती है, जाके कह दे अपने पेरेंट्स बात खत्म कर, पेरेंट्स को कह दे मतलब पहले बाप तो इसकी हर बात सुनने को तैयार है। आई डोंट थिंक सो थोड़ी बात कराने, और अगर उसको लग रहा है कि इस तरह मेरे बाप नहीं सह पाएगा ये सब कुछ तो फिर चुप करके उसको अल्लाह हाफिज कर देना, मतलब ये बीच का क्या सीन होता है आधा उधर आधा इधर तुम्हारे ना उधर के रहते ना उधर चले बेचारा मेरा बच्चा भी है। सो लेट्स सी आई होप कि दोबारा से ड्रामे में हमें थोड़ी सिंपैथी हो बाप के साथ राइट नाउ
बी ऑनेस्ट वही वाली बात है कि वो अपने आप को पहले बुरा थी और अब थोड़ी नफरत की तरफ जा रहे हैं, आई होप वो इतना फेज ना जाए. लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग जो हमने बुराइयां की हैं और सब कुछ, आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस, ड्रामा मजे का है. ये नहीं कि ड्रामा मजे का नहीं है, लेकिन हम एज व्यूअर वो बात फील करते हैं ना, वो पेन फील करते हैं, तो हम शेयर कर लेते हैं. सो हम तो ये क्रिटिक शुगल के लिए भी करते हैं, नॉट शुगल के लिए बट एक जेन्युइन फीडबैक देते हैं कि वी फील कि स्टोरीज में ऐसा होना चाहिए जिससे आपको हीरोइन या हीरो इंस्पायर करें और आप उनके लिए फील करें. जैसा मेरे पास तुम हो होता था तो आपको जब पता था आयजा खान बुरी है तो आपको उससे नफरत ही होनी है क्योंकि वो हीरोइन, लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी दूसरी गीती थी या मुहैया सही था तो यू आपको ऑटोमेटिकली आपका दिल उनके लिए चाहता था दुआ करने का. तो इस तरह इस टाइम हमें बख्त के लिए कोई दुआ करने का दिल नहीं चाहता, क्या मेहराब के लिए करने का दिल चाहता है कि अल्लाह उसके लिए बेटर है. बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. यही हुआ इस एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड में फिर वो आई थिंक इस तरह की बातें चल रही हैं. कोई खास चीज है, प्लॉट वही वाली बातें, मेन चीजें बता देते हैं ये लोग, लेकिन देखिए कि क्या होता है. एंड आई होप प्लीज आप हमें अपने कमेंट्स देना ना भूलिए. आपको 18th एपिसोड ऑफ शहनाई कैसी लगी, अच्छी लगी है तब भी बताएं, बुरी लगी है तब भी बताएं, और हमारे जो रिव्यू है उस पर भी अपना कमेंट देना ना भूलिएगा. दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे जो डेली न्यूज सेगमेंट है खुशखबरियों का वो जरूर देखें ताकि आप भी खुश हों और अपनी फैमिली में भी खुशियां मानें. सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.